तो इस किच्छा का जो कार्य है प्रगति पर है सर, सभी किसान भाइयों के लिए अच्छी खुशखबरी है। किच्छा की बैराज नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो वैसे तो हम अपने चैनल पर जड़ी बूटियों या आयुर्वेद से रिलेटिव जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, परंतु हमारे बगल में एक जो डैम है जिसको हम बैराज डैम या किच्छा डैम के नाम से जानते हैं, वो कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी और उससे रिलेटिव कुछ हमारे साथियों के जो कमेंट आए थे कि आप किच्छा के डैम के बारे में बताएं कि उसका निर्माण हुआ है या नहीं, उसकी स्थिति क्या है। तो इसके चलते हम उसके बारे में आपको आज जानकारी बताने वाले हैं कि उसका निर्माण हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो हम आपको सबसे पहले दिखा दें कि ये जो डैम है ये किच्छा बैराज के नाम से जानी जाती है और ये किच्छा नदी या गौला नदी पर स्थित है। ये उसकी एक छोटी सी बांध है जो अलग एक जो नहर है उसमें पानी के लिए तैयार ये की गई है। तो ये जो डैम है ये जो है यूपी सरकार के अधीन आती है, इसका जो भी भार है यूपी सरकार उठाती है। और ये दो साल पहले 19 अक्टूबर 2021 में एक वर्षा हुई थी जिसके कारण बहुत सारा पानी इकट्ठा यहाँ हो गया था और उसके जल स्तर बढ़ जाने के कारण ये जो डैम थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसका जो क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारे किसान भाइयों को जो सिंचाई में इसका पानी यूज होता है वो नहीं हो पाया था। तो आप देख लें इस जो क्षतिग्रस्त जो डैम है इसका कार्य प्रगति पर हो रहा है और ये जेसीबी से खोद कर जो पानी की जो स्थिति है वो पुनः उसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है जहां इसको होना चाहिए, क्योंकि जो डैम टूटने के कारण ये साइड से पानी इसका जा रहा है। तो ये दो साल से इस डैम को कार्य नहीं हुआ, इसके कारण जो यूपी के किसान भाई हैं, भैड़ी क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, उनको काफ़ी इसका भार या इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धान गेहूँ या जो रबी फसलें होती हैं उसमें इस पानी का सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये 31 जनवरी को सिंचाई मंत्री जी आए थे हैं, इसका निरीक्षण किया और उन्हें इसके लेट होने के कारण के बारे में पूछा कि ये अभी तक ये कार्य क्यों नहीं हो पाया और इसके प्रस्ताव के बारे में बताया। तब इसका कार्य अब जो है आके मार्च में जो है स्टार्ट हो चुका है। तो ये नई टेक्नोलॉजी जा रहा है, इस बांध को बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख लें ये जो बड़े बड़े बैग हैं ये नायलॉन या जो आपके कह सकते हैं कि एक प्रकार की पॉलीथीन या रेशम के धागों से ये बने हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसमें अंदर जो है रेत और पानी दोनों मिक्स करके मशीन द्वारा ये भरी गई है। आप देख लें ये जो दिख रहे हैं इसमें जो इस बैग का जो इसका मुँह है तो इसके द्वारा इसमें पानी मिक्स जो रेत भरी गई है। तो ये बड़े बड़े बैग हैं और ये काफ़ी मजबूत हैं। तो ये इस प्रकार देख लें आप, जो पहले बाढ़ आई थी उसमें ये क्षतिग्रस्त डैम हो गई थी। तो ये जो डैम है ये गौला नदी पर या किच्छा नदी पर है, ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के पूरब साइट में है और ये नदी जो है करीब 500 किलोमीटर की लंबाई तक दूर स्थित है, क्योंकि ये यूपी में भैड़ी बरेली सीसगढ़ होकर ये बरेली के करीब 15 किलोमीटर दूर राम गंगा में स्थित होती है। इसी की एक यहाँ से जो बैराज डैम है यहीं से एक दूसरी ब्रांच निकलती है जो आपके भैड़ी क्षेत्र में होते हुए सेड़गढ़ सीसगढ़ की साइड ये जाती है। इससे हजारों हेक्टरों जो जमीन है उसकी सिंचाई की जाती है। तो उसके कारण इस डैम का जो है पुराना जो पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो आप देख लें इस प्रकार इसमें लंबे लंबे बैग द्वारा इसको बनाया जा रहा है और जो पुरानी नदी है आप देख लें इस प्रकार है, जो आप सामने देख रहे हैं इस नदी में जो है पानी जाना है। तो ये जो बांध का कार्यक्रम है इसको बनाया जा रहा है। तो जो आप पाइप देख रहे हैं ये भी पानी भरना या मिट्टी भरने का कार्य इसमें किया जा रहा है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए इस डैम का कार्य पूरा होते ही उनको पानी यहाँ से मिल जाएगा और वो जो धान की आने वाली फसल है उसको अच्छे से सिंचाई कर पाएंगे और अच्छी फसल उगा सकते हैं।
क्योंकि पानी के बगैर अच्छी फसल उगाई नहीं जा सकती। और इधर के जो लोग हैं पिछले दो साल से जो फसल उगा रहे हैं उसमें उनको काफ़ी लागत लगानी पड़ रही है, क्योंकि वो पानी ना होने के कारण उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। या जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनने तो जो बोरिंग है या ट्यूबवेल है वो लगवा लिए हैं, जो छोटे किसान हैं उनके ना तो अभी बोर हैं ना नलकूप हैं, तो इस कारण वो सिर्फ इस नहर पर ही निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनको फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि ये डैम का कार्य पूरा किया जा रहा है, और हो सकता है धान की रुपाई से पहले इस डैम का कार्य पूरा हो जाए और इस नहर में जो पानी है पहले की तरह चलने लगे। तो आप देख लें दूर ये जेसीबी या ट्रॉली के द्वारा उधर कार्य किया जा रहा है, तो कार्य भी बड़ा प्रगति पर है। तो इस डैम के बारे में मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना रखी हैं और उसका लिंक आपको एंड में और आइकॉन पर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले की डैम कैसी थी, इसके टूटने से पहले कैसी थी और उसे जब डैम टूटी थी तब कैसी थी। तो इस प्रकार आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आप अपने भैड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं या आप इसको भैड़ी क्षेत्र से आप देख रहे हैं तो आप उन किसानों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो किसान इस वीडियो को देखें और अपने खेतों में जो उगने वाली या आने वाली जो फसल है उसके बारे में पानी का इंतज़ाम के तौर पर वो अपने जान सकें कि जो किछा की डैम है वो कार्य पूरा हो रहा है और उनको पानी की समस्या जो किल्लत है वो दूर होने वाली है। तो ये आप बैग देख रहे हैं, ये बहुत ही मजबूत है, इस पर मैं चढ़ के जा रहा हूँ, इसमें बालू भी अंदर पैक है, तो ये बहुत मजबूत बैग है। ये अगर इनको पानी से बाहर में आया जाएगा तो ये पानी से भी नहीं फिसलेंगे, और ये सेट मिट्टी के जो भरे हुए कट्टे लगाए गए हैं उनको भी ये नहीं खिसकने देंगे। बस इतना सा एरिया रह गया, अगर इसको लॉक किया गया तो इधर से आप जो पुरानी हमारी नहर है उसमें पानी जा सकता है। तो आप देख लें, मैंने इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, जो पुरानी नहर है हमारे सामने दिख रही है, तो इसमें पानी जाना है। तो इस प्रकार किसान भाइयों को बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है कि उनकी जो किछा की डैम है वो सुचारू रूप से काम करने वाली है और उनको पानी की किल्लत दूर होने वाली है। आप देख लें थोड़े उस एक मशीनरी में आपको दिखाता हूँ, जिसके द्वारा इससे जो बैग हैं बड़े बड़े इनमें जो पानी भरा गया है और पानी के साथ साथ इसमें जो रेत भी मिक्स करी गई है। ये बालू के ऊपर मैं चढ़ के जाता हूँ, ये काफ़ी बालू जो है इसमें पैर धंस रहे हैं और ये काफ़ी बुदबुदी टाइप की है। तो आगे मैं एक मशीनरी दिखाता हूँ जो नाव में फिट है और उसके द्वारा ये बालू जो पाइप द्वारा इस बैगों में भरी गई है। तो आप देखने लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, तो हम दूर से जो है क्षतिग्रस्त डैम का ऐसे कुछ दिखता है, आप देख लें। इसको 2 साल हो चुकी हैं ये डैम क्षतिग्रस्त हुई और इससे काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। तो पुराने जो वीडियो हैं इसमें आप देख लेना कि पहले इस डैम कैसे दिखती थी, बहुत अच्छी इसका दिखती थी। ये जो टूटा हुआ भाग है वो पता ही नहीं कहाँ बह के चला गया, इसमें इधर का एरिया जो था बहुत ही ऊंचा था परंतु नहीं पता चला पानी के प्रेशर से कि वो बह के कहाँ चला गया। तो आप ये मशीनरी देखें जो उस बड़े बड़े जो बैग आपने देखे थे इसमें मिट्टी बालू दोनों मिक्स करके भरी जा रही है। ये जो बोर्ड है इसमें एक मशीनरी लगी है, एक इंजन लगा है जो यहाँ से बालू को निकालती है और उन बैगों में पैक की जाती है। तो आज की टेक्नोलॉजी द्वारा ये काम किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप देख लें कि बहुत जल्द ही इस डैम का कार्य पूरा हो जाएगा और पूरा होने के साथ किसान भाइयों की जो पानी की समस्या है वो दूर होने वाली है। तो हम इस वीडियो में इतने ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किछा क्षेत्र के यूपी क्षेत्र के भैड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इस नहर से निकट जो भी किसान भाई हैं उनको पानी की जो किल्लत हो रही थी या बार बार पूछ रहे थे कि इस डैम कब सुधरेगी या इस डैम का निर्माण कब होगा ताकि हम पानी की सिंचाई कर सकें और अपने खेती को हरी भरी कर सकें, तो आने वाली धान की फसल में उनको इस डैम से मिलने वाला जो पानी है वो उनको मिल जाएगा।